नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बड़वानी जिला मुस्लिम समाज कमेटी द्वारा गुरुवार को दोपहर में स्थानीय जलसा गार्डन में प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्रा, स्वास्थ्य सेवा देने वाले युवाओं का सम्मान किया। इस मौके पर जिला सदर, जिला मुस्लिम कमेटी, इदरीस खान मुस्लिम सुन्नत जमात सदर शौकत कुरैशी सहित समाज के लोग रहे मौजूद। बड़वानी के कुक्षी रोड स्थित जलसा गार्डन में हुए कार्यक्रम में अब्दुल सत्तार मंसूरी, आशिक अहमद शेख सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने पर मुस्लिम समाज के लोगों का सम्मान भी किया गया। और आप मुस्लिम समाज बताओ महेंद्र जी, जब ऐसे चीफ गेस्ट को बाहर से बुलाया जाता ना, कैसे दिए ये पहले बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराई से शुक्रिया। फारूक भाई तिगाले जी अंजन 41,000 रुपये जी हाँ, दोनों पेटियाँ, दोनों डॉक्टर, दोनों एमबीबीएस डॉक्टर, आगे भी इनकी पढ़ाई बहुत आगे तक पहुँचेगी, ऐसी यहाँ से हम आज से इनसे दुआएं कर सकते हैं। बहुत कुछ मिले जहाँ पर इस बात की कोशिश की गई है कि वो तमाम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। डॉक्टर शर्मुस्ता से तस्वीर से के बाद मैं बुलाना चाहूंगा। मैं समझता हूँ 2,30,000 कम रकम है, इससे ज्यादा हो जाएगा। बच्चे के जो सत्ताईस बच्चे और बच्चिया जो हमारे लिए कमेटी जिला बड़वानी की जानिब से जो बच्चे 10वीं और 12वीं के में 70% से ज़्यादा अंक लेकर पास हुए हैं उनके इस्तकबाल का प्रोग्राम है। साथ ही साथ जो हमारे कौम के जो MBBS डॉक्टर्स जो नई डिग्री लेकर आए हैं और जो अपनी कौम की खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं उनके भी इस्तकबाल का प्रोग्राम आज जिला मुस्लिम कमेटी की जानिब से अरेंज किया गया है। इस तमाम प्रोग्राम में 10वीं और 12वीं के मिला के लगभग 135 बच्चे आए हैं जो जिनका इस्तकबाल यहाँ से किया जाना है। साथ ही साथ हमारी कौम के 12 MBBS डॉक्टरों का भी इस मंच के माध्यम से आज इस्तकबाल किया जा रहा है। कॉलेज के छात्रों को भी भविष्य में कोई इनाम वितरण करेगा कॉलेज का? जिला मुस्लिम कमेटी शिक्षा के ऊपर काम कर रही है। इंशाअल्लाह आने वाले समय में जो हमारे बच्चे जो कॉलेजों में हैं, जो लॉ कॉलेजों में हैं, उन सभी बच्चों के लिए इंशाअल्लाह अगले साल और एक बड़े प्रोग्राम को मुनाकिद किया जाएगा जहां से सभी टैलेंट को, चाहे वो जिस क्षेत्र का टैलेंट हो, सभी क्षेत्र के टैलेंट को जो शिक्षा से और तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं उन सभी को एक मंच पर लाकर और उन सभी का इस्तकबाल और सम्मान किया जाएगा। अच्छा, शिक्षा नहीं करेगा उसके लिए समाज ने क्या मतलब आगे कार्रवाई करेगी? मुस्लिम समाज में सही बात है कि बहुत पिछड़ापन है, उसके लिए जिला मुस्लिम कमेटी और तमाम जो बड़वानी ज़िले की जमातें हैं उनके माध्यम से मिलकर एक बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी और आने वाले समय में शायद ही कि जिला मुस्लिम कमेटी और तमाम आवाम मिलकर बड़वानी ज़िले में एक स्कूल कायम करने जाएगी जिसमें तमाम वो बच्चे जो किसी आर्थिक हालात के कारण अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो तमाम बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी आर्थिक रूप से मदद की जाएगी, उनको करियर गाइडलाइंस दी जाएगी जिससे कि वो अपने भविष्य को अच्छे बेहतर से बेहतर बना सकें। आधुनिक युग में जो उर्दू का क्या महत्व है, उर्दू का जो कोई महाविद्यालय शिक्षा स्कूल खुली जाएगी? बड़वानी ज़िले में चूँकि अभी तक 8वीं तक के कुछ उर्दू स्कूल हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में हाई सेकेंडरी स्कूल तक बड़वानी और ख़ास करके बड़वानी ज़िले में जो जिला मुख्यालय पे एक हाई सेकेंडरी स्कूल हो और जो तो हमारी बड़ी बस्तियाँ हैं पलफूद है, राजपुर और सेंधवा में भी हाई स्कूल तक की शिक्षा उर्दू के माध्यम से दी जाए, ऐसी हमारी तमाम कोशिशें जिला कमेटी के माध्यम से और तमाम हमारे जमातों के माध्यम से हम करेंगे और इसे उच्च स्तर तक भी इस संबंध में बात करेंगे। आज क्या प्रोग्राम? आज जिला मुस्लिम कमेटी जिला बड़वानी की जानिब से जो बच्चे 10वीं और 12वीं की में 70% से ज़्यादा अंक लेकर पास हुए हैं उनके इस्तकबाल का प्रोग्राम है। साथ ही साथ जो हमारे कौम के जो MBBS डॉक्टर्स जो नई डिग्री लेकर आए हैं और जो अपनी कौम की खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं उनके भी इस्तकबाल का प्रोग्राम आज जिला मुस्लिम कमेटी की जानिब से अरेंज किया गया है। इस तमाम प्रोग्राम में 10वीं और 12वीं के मिला के लगभग 135 बच्चे आए हैं जो जिनका इस्तकबाल यहाँ से किया जाना है। साथ ही साथ
हमारी कौम के 12 MBBS डॉक्टरों का भी इस मंच के माध्यम से आज इस्तकबाल किया जा रहा है। कॉलेज के छात्रों को भी भविष्य में इनाम वितरण करेंगे कॉलेज। जिला मुस्लिम कमेटी शिक्षा के ऊपर काम कर रही है, इंशाअल्लाह आने वाले समय में जो हमारे बच्चे जो कॉलेजों में हैं, जो लॉ कॉलेजों में हैं, उन सभी बच्चों के लिए इंशाअल्लाह अगले साल और एक बड़े प्रोग्राम को मुनाकिद किया जाएगा, जहां से सभी टैलेंट को, चाहे वो जिस क्षेत्र का टैलेंट हो, सभी क्षेत्र के टैलेंट को जो शिक्षा से और तालीम से ताल्लुक रखते हैं, उन सभी को एक मंच पर लाकर और उन सभी का इस्तकबाल और सम्मान किया जाएगा। अच्छा, मुस्लिम समाज में कुछ लोग और पिछड़े हैं और जो उनको तालीम नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिल रही, उसके लिए समाज ने क्या मतलब आगे कार्रवाई करेगी? मुस्लिम समाज में सही बात है कि बहुत पिछड़ापन है, उसके लिए जिला मुस्लिम कमेटी और तमाम जो बड़वानी जिले की जमातें हैं उनके माध्यम से मिलकर एक बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी और आने वाले समय में शायद ही कि जिला मुस्लिम कमेटी और तमाम आवाम मिलकर बड़वानी जिले में एक स्कूल कायम करने जाएगी, जिसमें तमाम वो बच्चे जो किसी आर्थिक हालात के कारण अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो तमाम बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी आर्थिक रूप से मदद की जाएगी, उनको करियर गाइडलाइंस दी जाएगी, जिससे कि वो अपने भविष्य को अच्छे बेहतर से बेहतर बना सके। आधुनिक युग में जो उर्दू का क्या महत्व है, उर्दू का जो कोई महाविद्यालय शिक्षा स्कूल खुली जाएगी? बड़वानी जिले में चूँकि अभी तक 8वीं तक के कुछ उर्दू स्कूल हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में हाई सेकेंडरी स्कूल तक बड़वानी और खास करके बड़वानी जिले में जो जिला मुख्यालय पे एक हाई सेकेंडरी स्कूल हो, और जो हमारी बड़ी बस्तियां हैं पलफूद है, राजपुर और सेंधवा में भी हाई स्कूल तक की शिक्षा उर्दू के माध्यम से दी जाए, ऐसी हमारी तमाम कोशिशें जिला कमेटी के माध्यम से और तमाम हमारे जमातों के माध्यम से हम करेंगे और इसे उच्च स्तर तक भी इस संबंध में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, धन्यवाद।